बोर्ड 11 की पहली मेरिट लिस्ट 2024 के तहत छात्रों को पहली चॉइस का स्कूल जो है वो यहाँ पे निर्गत किया गया है, जिसके लिए 11 जून तक छात्रों को यहाँ पे मौका दिया गया है। तो बिल्कुल ध्यान से देखेंगे छात्र को किस तरह से अपने स्कूल में जो है एडमिशन कराना है, साथ ही साथ आप अपना विषय भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं और विषय चेंज करने की तिथि जो है वो 11 जून तक लास्ट डेट है। यानी कोई छात्र चाहे तो आर्ट्स से साइंस, साइंस से कॉमर्स में भी यहाँ पे करवा सकता है। तो बिल्कुल ध्यान से देखेंगे कि कैसे आपको यहाँ पे इंटीमेशन लेटर डाउनलोड करना है और अपना एडमिशन जो है वो यहाँ पे करवाना है, स्कूल किस दिन जाना है और आपको कौन सा स्कूल में नाम आया है वो आपको किस तरह से देखना है, सब कुछ यहाँ पे जानेंगे। इसके लिए ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया है कि इस बार का जो कटअप है वो 10th बेसिस पे कटअप जो है आपको तैयार किया गया है। यानी आपके 10th में जितने मार्क्स थे उसी पे आपको जो है स्कूल आवंटित किया गया है। जिनका हाई कटअप है उनको पहले स्कूल आवंटित किया गया है और जिनका लो कटअप है उनको नीचे दिया गया है। तो बिल्कुल ध्यान से देखेंगे किया क्या गया है। सबसे पहले जान लीजिए कि 10th का जो कटअप है आपको स्कूल मिला है उसमें आपका 45%, 60%, 70% या जिनका 85% जो भी आपका पासिंग परसेंटेज है, अगर आप बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं या CBSE के स्टूडेंट हैं तो अगर आपने ऑनलाइन अप्लाई किया है तो आपका पहली चॉइस तभी मिला है जब आपका स्कूल का कटअप और आपका कटअप जो है वो यहाँ पे सेम रहा हो। यानी मान लीजिए कि पहली चॉइस में आपने जो स्कूल डाला था उसका कटअप अगर 60% है और आपके 10th में मार्क्स जो है वो आपका 55% है, तो ऐसे में आपको पहली चॉइस ना देकर आपको सेकेंड चॉइस दे दिया गया है। यानी आपका कटअप के अनुसार जो है वो आपका स्कूल मिला है। हर स्टूडेंट का अलग अलग कटअप है क्योंकि अलग अलग स्कूल आपने चयन किया था। जो हाई रैंकिंग का स्कूल चयन किए हैं उनका कटअप जो है वो यहाँ पे हाई रखा गया है, जो लो रैंकिंग का स्कूल यहां पे चूज किए थे उनका कटअप जो है वो यहाँ पे लो रखा गया है। इसीलिए किसी स्टूडेंट का पहली मेरिट लिस्ट में नाम है तो किसी को पहली मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आकर सेकेंड मेरिट लिस्ट का आपको यहाँ पे वेट करना होगा। तो बिल्कुल ध्यान से देखिए किस तरह से आपको मेरिट लिस्ट में अपना नाम जो है वो यहाँ पे चेक करना है। और साथ ही साथ बोला गया है कि सभी छात्र छात्राओं को इंटीमेशन लेटर डाउनलोड करके अपने स्कूल में जाकर जो है वो यहाँ पे एडमिशन जो है वो कराना होगा। तो बिल्कुल ध्यान से पूरी वीडियो देखिए, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि बिहार बोर्ड की हर अपडेट यहां पे मिलती रहे। यहां पे देखिए बिहार बोर्ड ने इसके लिए नोटिस जारी किया है, ऑफिशियल नोटिस, कि जो भी छात्र 11वीं में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाए थे एडमिशन के लिए सेशन 2024-26 के लिए, उन्हें यहाँ पे चेंज करने का मौका दिया गया। यानी अगर आपका मार्क्स 10th में कम है तो आप फिर से यहाँ पे स्कूल चेंज कर सकते हैं या आप विषय चेंज कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो नियम था पहले का कि जहाँ से 10th पास किए वहीं से आपको 11th में एडमिशन लेना होगा, उसे समाप्त करके अब जो है जो स्कूल चयन किए हैं उस पर आपका मेरिट लिस्ट यहाँ पे बना है, जिसमें पहली मेरिट लिस्ट, सेकेंड मेरिट लिस्ट और थर्ड मेरिट लिस्ट, इन तीनों मेरिट लिस्ट के बाद जो छात्र बच जाएंगे वो डायरेक्ट एडमिशन करा पाएंगे, वो स्पॉट एडमिशन होगा। ठीक है, तो स्पॉट एडमिशन का भी आपको मौका मिलेगा डायरेक्ट स्कूल जाकर, उसके लिए अलग से डेट यहाँ पे जारी किया जाएगा। फिलहाल जो डेट है वो 11 जून तक जो है वो आप यहाँ पे परिवर्तन कर सकते हैं, यानी विषय में चेंज कर सकते हैं, स्ट्रीम चेंज कर सकते हैं। आर्ट्स साइंस कॉमर्स का बिहार बोर्ड, CBSE किसी बोर्ड से हैं तो आप यहाँ पे चेंजिंग यहाँ पे कर सकते हैं। इसके लिए देखेंगे आगे क्या बताया गया, किस तरह से आपको यहाँ पे करना होगा और स्कूल किस तरह से आप चेंज करेंगे, सब कुछ मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो फटाफट वीडियो को शेयर कर दीजिए, पूरी जानकारी यहाँ पे देख लीजिए ताकि आपका अच्छे से एडमिशन हो जाए। क्योंकि अगर आपका डेट निकल गया, अगर आप स्कूल चेंज नहीं किए, विषय चेंज नहीं किए तो आप फंसे रह जाएंगे, फिर समझ में नहीं आएगा क्या करें। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से सीधे मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे लेकर जाता हूँ। इंटीमेशन लेटर डाउनलोड करने के लिए साथ ही साथ स्कूल में चेंज करने के लिए आप यहाँ पे biharnotices.in पे इस तरीके से सर्च करेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा भी स्किप नहीं कीजिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो ये होने वाली है, अगर आप स्किप किए तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है। 3 लाइन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है और एडमिशन पे जाना है, और सबसे पहले 11th एडमिशन आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करके यहाँ पे पहले समझ लीजिए, यहाँ पे साफ साफ मेंशन किया गया है कि कब से कब तक एडमिशन होगा और किस तरह से छात्र जो है अपना इंटीमेशन लेटर डाउनलोड करके अपने स्कूल में जो है वो यहाँ पे एडमिशन करा सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा इंटीमेशन लेटर लिखा हुआ आएगा, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, बिहार बोर्ड में 11th एडमिशन 2024 के लिए इंटीमेशन लेटर स्टूडेंट के स्कूल का नाम जो दिया गया है, जिस स्कूल में जाकर छात्रों को एडमिशन लेना है, जिसमें बिहार बोर्ड ने बदलाव भी किया है। पहले का नियम था
कि जहां से 10वीं पास किए वही 11th नामांकन होगा, उस नियम पे रोक लगाकर इसी कारण इंटीमेशन लेटर में छात्रों को द्वारा जो स्कूल का चयन किया गया था जिसमें प्रथम तीन च्वाइस के अनुसार छात्रों का स्कूल जो है वो आवंटित किया गया है और पहली च्वाइस वाला स्कूल छात्रों को दिया गया है 10वीं के कटअप के अनुसार, यानी जिनका मार्क्स जो है वो स्कूल के कटअप को यहाँ पे फुलफिल कर रहा है उनका नाम पहली च्वाइस में यहाँ पे दिया गया है। अब यहाँ पे छात्र जो है वो अपना इंटीमेशन लेटर किस तरह से डाउनलोड करेंगे, अब यहाँ पे ये भी जान लीजिए कि आपको SLC आपको यहाँ पे अब सिग्नेचर नहीं करवाना होगा, यानी अब आपको मनपसंद स्कूल में जो यहाँ पे मिल रहा है, पहले जो बोला गया था कि SLC आपको सिग्नेचर कराना है तो अब कोई सिग्नेचर SLC में नहीं होगा, आपको सिर्फ SLC जो है वो अपने स्कूल से ले लेना है और SLC जो है वो वहाँ पे जमा करना होगा स्कूल में, अब किसी तरह का सिग्नेचर नहीं लगेगा। बाकी क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि आरक्षण के अनुसार मेरिट लिस्ट का कटअप बना है, तो कटअप के अनुसार आरक्षण जब दिया जा रहा है कौन कौन सी जाति को आरक्षण मिल रहा है, तो SC को मिल रहा है, ST को मिल रहा है, OBC को मिल रहा है, EBC को मिल रहा है और आपका EWS को मिल रहा है, तो इन सभी जाति को आपका आरक्षण मिल रहा है, जनरल को सिर्फ नहीं मिल रहा है, तो जनरल को छोड़कर सभी जाति को आरक्षण मिल रहा है, तो जनरल को छोड़कर सभी जाति वाले कास्ट सर्टिफिकेट अब नया बनवा लेंगे, ठीक है, नहीं तो स्कूल आपको फिर आरक्षण नहीं देगी और आपको उसका फायदा नहीं मिलेगा, इस चीज़ को समझ लीजिएगा। एडमिशन तो हो जाएगा लेकिन आपको दिक्कत होगा, ठीक है। उसके बाद देखिएगा इंटीमेशन लेटर डाउनलोड करने के लिए बोला गया है, यहाँ पर आपको एप्लीकेशन नंबर चाहिए और मोबाइल नंबर चाहिए। एप्लीकेशन नंबर वही है जो आपने फॉर्म अप्लाई किया था, वहाँ पे आपको देखिएगा किनारे में एप्लीकेशन नंबर जिसे बारकोड नंबर बोलते हैं वो एक ही चीज़ होता है, यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर और मोबाइल नंबर दर्ज करना है, कैप्चा कोड डालना है, ये जो कैप्चा कोड है, कैप्चा कोड डालने के बाद प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक करना है और अपना इंटीमेशन लेटर जो है वो डाउनलोड करना होगा। अब इसके लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने नोटिस जो है वो जारी किया गया है, तो यहाँ पे आप मेरिट लिस्ट डाउनलोड करना है, यहाँ से इंटीमेशन लेटर डाउनलोड करना है, यहाँ से आप स्कूल में जो बदलाव करने का मौका दिया गया है 8 जून से लेकर 11 जून तक है ना, वो यहाँ पे आप बदलाव यहाँ पे कर सकते हैं और जो भी छात्र यहाँ पे बदलाव के लिए नोटिस जो है वो एक बार नोटिस भी डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पे जब क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे जो नोटिस है वो आपके सामने खुलकर आ जाएगा, इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। 8 जून से लेकर 11 जून तक आपको मौका दिया गया है, इस मौका का फायदा उठाइए और जो जाति प्रमाण पत्र नहीं बनवाए हैं जरूर से बनवा लीजिए और मेरिट लिस्ट डाउनलोड करने के लिए biharnotices.in पे जाएंगे और वहां से मेरिट लिस्ट आप डाउनलोड कर पाएंगे। तो अब क्योंकि यहां पे 11 जून तक सभी छात्रों को चेंज करने का मौका दे दिया गया है, तो उसके बाद तुरंत आपका मेरिट लिस्ट जारी करके स्कूल में एडमिशन जो है वो वहाँ पे शुरू कर दिया जाएगा, ठीक है। तो सारी जानकारी आपको समझा दी गई है, तो सभी को शेयर कर दे ताकि सभी इसका फायदा उठा सके, क्योंकि 10th मार्क्स पे ही आपका मेरिट लिस्ट जो है वो यहाँ पे बना है, ठीक है। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में नई अपडेट के साथ और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आगे की जो भी अपडेट होगी सबसे पहले जानने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो जाए और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाइए लिंक पर क्लिक करके आप वहाँ से स्कूल चेंज कर सकते हैं, इंटीमेशन लेटर डाउनलोड कर सकते हैं और नोटिस यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं।